एक राजा के तीन प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? मित्रों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है, कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहें। मित्रों, किसी राजा के मन में तीन प्रश्न अक्सर उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राजमंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने तीन प्रश्न सबसे प्रमुख रखे थे, वे थे, पहला, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? दूसरा, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? और तीसरा, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? कोई भी राजा के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न दे पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसी सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। उसके बाद राजा ने साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों एवं गुप्तचरों को साथ लेकर कुटिया की ओर चल पड़े। उस सन्यासी के दर्शन के लिए दिल में एक ही आशा थी कि अब उसे अपने प्रश्न के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुँचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं राजा अकेले उस सन्यासी के पास गया। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं। सन्यासी ने कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही तीन प्रश्न सन्यासी को कहा। राजा अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन साधु ने तो उत्तर नहीं दिया। उसके बाद राजा ने कुदाल को लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने तीन प्रश्न के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा को खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धारा बह रही थी, उस सन्यासी की ओर आया। अब सन्यासी एवं राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की महरम पट्टी करने के बाद दर्द से कुछ राहत मिली तो वो घायल व्यक्ति सो गया। प्रातः जब सुबह हुई तो वो घायल व्यक्ति राजा से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन राजा आश्चर्यजनक था। राजा की स्थिति देख तत्काल उस घायल व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी, बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता चल गया था कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियार से मुझे चोट पहुँचाई, लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का दोष समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे दंड दे अथवा मुझे क्षमादान दे, यह आपकी इच्छा। घायल की बात सुनकर राजा अस्तम्भ रह गया और मन ही मन ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्न के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतते में सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा ना हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस व्यक्ति को
सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए। इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि कभी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। मित्रों, ये कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे।